अभी पैराग्लाइडिंग के लिए जा रहे हैं। कल आज मौसम अच्छा है, लकीली कल का पता नहीं है कि क्या सीन होगा क्या नहीं होगा। और साथ साथ ये बना रही हैं, इतना वार्म वेलकम मिला है, ट्रस्ट मी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। अभी यहाँ ये पुलिस की चौकी है, ये अपना सामान इनके पास रखेंगे और कुछ चीज़ें चार्जिंग पे लगा देंगे और फिर पैराग्लाइडिंग। और अभी ये बाकी सब भाइयों से भी इंटरव्यू लेते हैं और दिलवाते हैं। माशाल्लाह जी जबरदस्त, ये हमारी अपनी राश है। नहीं मैं रख लेता हूँ, थैंक यू, थैंक यू सो मच, है ना। चौकी में कोई दाखिल नहीं होता, इससे ज्यादा सिक्योर जगह नहीं मिलेगी हमें। मैट्रेस वगैरह है, ये आप अगर ना भी हुआ ना अपना बाइक ले आना। अच्छा बाइक भी यहीं ले आऊं? हाँ नहीं नहीं अपना ले आए ना, अपना बैठ के जाएंगे ना, बाइक नीचे लगा देंगे जाके, ये 7-2 किलोमीटर ला देंगे। अच्छा 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 बाइक पे जाएंगे, तो बाइक पे ठीक है, जबरदस्त बस, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अभी पैराग्लाइडिंग के लिए जा रहे हैं। ये जो पानी जिधर नजर आ रहा है ना, ये जिधर वो ये सामने जो पानी, ये जो तारों के दरमियान से पानी नजर आ रहा है, इसके साथ है बिल्कुल, उधर से बिल्कुल इसके सामने नजर आ रहा है चश्मा, वो बिल्कुल नजर आ रहा है, तो वहाँ जाएंगे अभी चश्मे पे, इसके साथ ही, इसके साथ है बस, इसी तरह की गाड़ी है, हम जा सकते हैं, इधर भी जाएंगे हम, चलो आपके साथ ही आज पूरा दिन, हमारे भी साथ वो कवरेज करना है आपने इंशाल्लाह। मेरी मैं असल में काफी अरसे से कर रहा हूँ, तो मुझे जो भी पूछता है ना वो चैनल का नाम ही पूछता है। नहीं, जब भी आया हूँ तो मैं तब से अभी टू व्हील्स ऑफ पाकिस्तान इंतजाम से बनाया है। अच्छा आप ले और चले, माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से भी, ये देखें धुंध आना शुरू हो गई, धुंध आना शुरू हो गई है। ये हमारा पैराग्लाइडिंग का स्पॉट है, यहाँ से पैराग्लाइडिंग होगी, हमें फुल प्रोटोकॉल में आए हैं। यहाँ से अगर आपको नज़र आ रहा होगा वो इधर नीचे एयरपोर्ट का नाम क्या है, एयरपोर्ट नाम है, मतलब एयरफोर्स का है या कमर्शियल है? ये कमर्शियल है, ये पीएए का था। अच्छा पीएए का कोई एयरपोर्ट अभी चल तो नहीं रहा होगा? नहीं अभी जलजला के बाद बंद हो गया था। हाँ जलजले के बाद जो बंद हुआ है एयरपोर्ट, उस एयरपोर्ट पे हम जाके लैंडिंग करेंगे। और यहाँ हमने बाइक खड़ा किया है, ये ऊपर वो सारा जो यूनिट है जहाँ से वो तैयारी करेंगे। ऊपर यहाँ से जाएगा कैसे? वापस ले जाएगा, ये थोड़ा सेफ ही रहेगा ना। तो बाइक ऊपर ही लगा रहते हैं फिर, चल आ जाए बाइक ऊपर लगा रहते हैं। चलो माशाल्लाह, जी निकलने लगे हैं पैराग्लाइडिंग के लिए, ये रास्ता जा रहा है, बाइक हमने वहाँ ऊपर पार्क कर दी है। इन्वायरमेंट चेंज हुआ है तो खांसी शुरू हो गई है। माशाल्लाह जी, ये पानी कभी साफ होता तो कैंपिंग के लिए पैसे करते, लेकिन ये खुद शायद बनाया हुआ तालाब। और फिशिंग फार्म तो नहीं लग रहा, ये बस में कपड़े शपड़े धोने के लिए शायद धो भी आए हैं कपड़े। गाय भैंस भी हैं जी, कैमरा तो मैंने फुल क्वालिटी पे रखा, नीचे से एयरपोर्ट भी नजर आ रहा है। माशाल्लाह चलें जी,
खैर करे जी। हम इस पॉइंट पे पहुंच गए, ये स्पॉट है, यहाँ से पैराग्लाइडिंग करेंगे। और वो जो नीचे एयरपोर्ट नज़र आ रहा है आपको, वहाँ जाके हमारी लैंडिंग होगी। चले आ जाइए, वो ये जिधर वो बच्चे थे काम कर रहे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ये क्यारी बुटा लो GoPro मैं कह रहा हूँ आपको वायरल कर देना हमने। आप वाल कर देंगे तो आप फ्लाएंगे आपको इंशाल्लाह मेरे मौला के चार। पहले मैं खुद तो लूं, अभी तो बनाया पहले मैं खुद तो लूं कभी कल परसों ही तो बनाया है वो चैनल। इंतजार करेंगे आपका, इंतजार करेंगे। यानी नहीं मतलब इतना घुमाने रहे ना, सही करूंगा मैं। हां जरा थोड़ा और ज्यादा एक्स्ट्रा दे रहे हैं कि तरह पहुंचने तक टाइम भी लगना मेरा। थैंक यू सो मच। ये अभी बस तैयारी करवाएंगे जी। ये सीट आपकी बैठना। अच्छा, ये सीट मेरी है बैठने की। हाँ जी, ये आप अच्छा इस सीट पे बैठेंगे जी। इसमें आप बिल्कुल रिलैक्स होकर टांगों पे टांगें डाल के कैमरा पकड़ाएं आपको मैं सीट बना। हाँ, कुपे कैमरा आप पकड़ लें। चलें जी, ये सीट पे बिठाते हैं पहले। मोबाइल छुपाई में आप ऊपर ऊपर जाएंगे ना? ऊपर जाएंगे। ये भाई पहन रहे हैं और ये रजा भाई आज पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। ये पिचनासी स्पार से इनके लिए पैराशूट भी तैयार हो रहा है और ये अंकल इनको तैयार करवा रहे हैं। और टूरिस्ट पुलिस की भी मामनत साथ साथ है और टूरिस्ट पुलिस का बड़ा एक नाम है और बड़े सिस्टम के साथ। चाचा शफकत जो है ना, ये इनका तलक भी माशाल्लाह कराची से है। और जो भाई जिन सियालकोट से, अच्छा सियालकोट से, और जो भाई पैराग्लाइडिंग करने जा रहे हैं वो उनका तलक कराची से। रजा भाई बड़े अच्छे हैं, वो बड़ा अच्छे अखलाक के मालिक हैं। और उधर उतरेंगे सर, वो एयरपोर्ट देखा है नीचे वो सामने, वो एयरपोर्ट है। हाँ वही मैं देख रहा था, उधर जहाज खड़े होंगे। नहीं नहीं, आजकल फ्लाइट नहीं होती है। हम ही बन जाके जहाज बनेंगे। ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ये सरा है, इस जगह का नाम है सरा और ये पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पे भी पैराग्लाइडिंग होती है नीचे से और ये सारा सिस्टम और ये बड़ा अच्छा है। और ये साथ जो हमारे मीर साहब खड़े हैं ये भी आजकल पैराग्लाइडिंग करते हैं कभी कभी, तो इंशाल्लाह ये भी एक साल के अंदर अंदर यहाँ से आपको उड़ाएंगे। इनका भी प्रोसेस स्टार्ट आहिस्ता आहिस्ता से, बिल्कुल समझ गए। और भाई आपका नाम क्या है? शफकत फैसल शाह साहब हैं। सिर्फ आपने क्या कहा से जो ही ग्लाइडर मेरा ऊपर आता है हरिपुर, हरिपुर से फैसल शाह साहब हरिपुर से आके पिचनासी स्पॉट पे पैराग्लाइडिंग करवाते हैं। क्या बात है फैसल शाह साहब? अमीन मीर साहब, क्या रहा सर आपका करियर? सोलो पायलट। वाह माशाल्लाह, ये इसका मतलब सीख के आगे गुड गुड। ग्लाइडर आपको उठाएगा, आपने इसके ऊपर बैठने की कोशिश रनिंग करते हुए, मैंने बैठने की कोशिश नहीं करनी, नहीं करनी, रनिंग करनी है। हवा में भी जब चला जाएगा मैंने खड़े रहना। जो ही हवा में जाने के बाद मैं आपको बोलूंगा, जब आप बोलेंगे तब मैंने चेयर पे बैठना है। सीट पे बैठे पीछे टेक लगाएंगे, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। मुनीर साहब एक दफा इधर आए, मुनीर साहब मुंह इधर करा, मुनीर साहब ये पकड़ो, इनको बिठाना है आप। हाँ, ये नीचे बैठ जी, टेक लगाएं, ये अंदर रखो, ये आपने जब बैठना हो, ये कब बैठना है? जब जाने के बाद, जब मैं कहूँगा, जब आप कहेंगे, बाहर झटके से निकले, ये लैंडिंग के रूप में लैंडिंग के बाद झटके से जरूरत पड़ने पर मैं बताऊंगा कि आपने पांव पे लैंड करना है, विंड को देख के हम उसके हिसाब से लैंड करेंगे। अगर विंड जीरो हो तो
आज मैं बताऊंगा, ये सीट के नीचे गद्दी है, आराम से बैठ भी सकते, बैठ भी सकते हैं अगर विंड जीरो हुई तो, जीरो हुई तो, अगर विंड हुई तो हम ऐसे अभी यहाँ पे सिर्फ टेकऑफ के ऊपर ग्लाइडर ऊपर आएगा, थोड़ा सा आगे खींचेंगे आप, ग्लाइडर ऊपर आया, रुक गया एक मिनट, ग्लाइडर ऊपर आ गया, ग्लाइडर को हैंडल किया, फिर मैं आपको थोड़ा रनिंग बोलूंगा, रनिंग रनिंग होनी है, तो फिर आपको फॉलो करना है, मैंने रनिंग करनी है, मेरे आगे करनी है, अच्छा अच्छा रनिंग करनी है, प्रॉपर प्रॉपर रनिंग करनी, दोनों होंगे ना पीछे, तेज रनिंग करेंगे, दो चार पांच कदम से टेक ऑफ हो जाएगा, ओके, हवा में भी आपके लिए रनिंग करनी है, रुकना नहीं है, बैठना नहीं है, आपने फिर आपने जोर आगे की तरफ लगाना, रुकना नहीं है और बैठना नहीं है, और मैं बस अभी पहले तो ये आपके पास होंगे ना, छोटा पहले ये आपके पास होंगे कंट्रोल, ये इस तरह की सीट मैं पहनूंगा, अच्छा ये बताओ आप आगे आए, फिर उठाएंगे इस तरह आगे आए, ये देखने, ये बस जबरदस्त समझ गया मैं, बस ये बस आपका सर आगे लेके, मतलब टेक ऑफ एक्चुअली मैंने ही करना है, भगवा के मैंने ही लेके जाना है, क्योंकि आप आ गए ना तो आपने जोर लगा के फिर एकदम आप उस बंदे ने थोड़ा सा आगे टेक आई, थोड़ा सा आगे थोड़े हेलमेट इसके नीचे दोनों, मतलब रनिंग का काम मैंने करना है और बाकी जो है वो सॉरी उनका नाम मैं भूल गया, शफकत शफकत सर, शफकत सर ऑटोमेटिक उठा लेगा, दूसरा दूसरा हेलमेट किधर है, दोनों इधर पड़ा था इसका जी, आ गए हैं जी, अच्छा ये सेफ्टी भी आ गई है, तो बाइक वाले ले आते हैं, नहीं बाइक वाला ज्यादा है तो वो पहन, चलें वो ऊपर ही छोड़ आए हैं, लेकिन वो दूसरा हेलमेट आपका नीचे नीचे, ये राजा भाई ने हेलमेट पहन लिया है, लॉक थोड़ा सा आप छोड़िए, लॉक लॉक लगाएं पहले, ये हेलमेट इनका बंद हो रहा है, देख ही सकते हैं आप, बहुत अच्छी विंड है, इंशाल्लाह हमें शफकत साहब ने हेलमेट पहन लिया आराम से,